नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर है, इसे दुनिया के सभी बड़े नेता स्वीकार करते हैं। मोदी के धुर विरोधी पूर्व मलेशियाई पीएम मातृ मोहम्मद तक खुलेआम यह बयान दे चुके हैं, मगर चीन जैसे देश में जहां सोशल मीडिया भी उसकी अपनी है, वहां की जनता मोदी की मुरीद हो तो बात बहुत दूर तक जाती है। चीनी नागरिकों में मोदी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी चीन में ऐसा नाम बन चुका है जो शी जिनपिंग के बाद सर्वाधिक चर्चा में है। मजे की बात यह है कि चीन के लोगों को पाकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के नाम मालूम नहीं है, मगर चीनी नागरिकों में नरेंद्र मोदी का सिक्का धमक के साथ चल रहा है। ऐसा केवल अभी नहीं कहते हैं, बल्कि चीन के सरकारी प्रोपगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुद ही कहा है। उसने यह खुलासा भी अपने प्रोपगेंडा के तौर पर नहीं किया है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर कराए गए सर्वे के बाद कहा है। लद्दाख में चल रहे तनाव के मद्देनजर ग्लोबल टाइम्स ने चीनी नागरिकों की राय जानने के लिए उनका सर्वे किया है। उनसे पूछा गया है कि मोदी के बारे में उनकी सोच क्या है, भारत चीन के बीच तनाव पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, भारत के बारे में वे क्या सोचते हैं। इस पर चीनी नागरिकों ने जो जवाब दिए वे हैरान करने वाले हैं। 9% लोगों ने कहा है कि उन्हें लगता है कि कम अवधि में संबंधों में सुधार हो जाएगा। वहीं 25% लोगों का मानना था कि लंबी अवधि में संबंधों में सुधार हो पाएगा। 51% लोगों ने भारत की मोदी सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ लीडर है जो अपनी जनता और सेना का सम्मान करते हैं। वहीं चीनी नागरिक अपनी सरकार के एक्शन से ज्यादा खुश नहीं है। कमाल की बात यह है कि जब इनसे यह पूछा गया कि वे मोदी के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, तो दुनिया के अन्य नेताओं के मुकाबले उन्हें मोदी के बारे में ज्यादा पता है। चीनी नागरिकों का कहना था कि उनकी सरकार ने भारत के साथ गलत किया है। मोदी सरकार ने वही किया जो कोई भी देश अपनी प्रतिरक्षा के लिए करता है। मोदी का एक्शन काबिले तारीफ है, जबकि उनके नेताओं का एक्शन एकदम सही नहीं है। चीन के 70% नागरिकों ने माना कि उनकी सरकार की नीति की वजह से भारत में चीनी विरोध सोच बढ़ी है, जो हर दिन बढ़ते तनाव के साथ ज्यादा होती जा रही है। यह चीन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। ज्यादातर चीनी मानते हैं कि भारत से उनका सांस्कृतिक रिश्ता काफी पुराना है, मगर वर्तमान तनाव के चलते वह टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ भारत में एक नई सोच तैयार हो रही है। अगर यह रिश्ते बिगड़े तो चीन को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स द्वारा चीन में कराए गए सर्वे में मोदी सरकार के फैसलों की न केवल प्रशंसा की है, बल्कि अपनी सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। चीनी नागरिकों पर गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प का मनोवैज्ञानिक असर दिख रहा है। इस झड़प में शहीद हुए भारत के 18 सैनिकों को मिले सम्मान को देखकर चीनी नागरिक हैरान रह गए थे। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि कोई देश अपने सैनिकों को इतना सम्मान देता है, जबकि चीन में इसके उलट सैनिकों की कोई अहमियत नहीं है। इस घटना ने चीनी नागरिकों पर गहरा प्रभाव डाला है। बड़ी बात यह है कि चीन के 62% लोग पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ज्यादा जानने के लिए सर्च करते हैं, जबकि 74% चीनी नागरिक लद्दाख में चल रहे तनाव पर निरंतर अपडेट ले रहे हैं। यानी इस वक्त चीन में मोदी लहर चल रही है, जहां मोदी के मुरीद लोगों की तादाद में निरंतर इजाफा हो रहा है। वैसे अगर ऐसा कोई सर्वे हिंदुस्तान में हुआ होता तो अब तक भगत का तमगा देने में तनिक भी देर नहीं लगती। यूं भी भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ग्लोबल टाइम्स क्या छाप रहा है। चीन को हर हाल में वही लौटना होगा जहां वह अप्रैल 2020 से पहले रहता था। मोदी की तारीफ से चाइना की हरकत नजरअंदाज नहीं होने वाली है। पर इसी बीच चीन में सबसे ज्यादा खलबली विवादों में चल रही टेक कंपनी हुआवे में मची हुई है। हुआवे ने भारत को लुभाने के लिए जी तोड़ प्रयास शुरू कर दिए हैं। हुआवे बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है। उसने कहा है कि वह भारत के प्रति प्रतिबद्ध है और पिछले 20 साल से भारत में लगातार काम कर रही है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मोदी की तारीफ में जो गुणगान हो रहा है वह हुआवे के द्वारा ही किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स जिस तरह सर्वे छाप रहा है वह भारतीयों को खुश करने के लिए है, ताकि उसकी सबसे बड़ी कंपनी हुआवे की साख बची रह जाए, क्योंकि भारत में हुआवे पर प्रतिबंध लगते ही चीन को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही उसकी हालत भी टिकटॉक जैसी हो सकती है। दरअसल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत हुआवे के उपकरण को चरणबद्ध तरीके से हटाना चाहता है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कथित रूप से हुआवे पर बैन लगाने की बजाय टेलीकॉम कंपनियों को संकेत दिया है कि वे चीन की इस कंपनी से दूर रहे। हुआवे पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह बैन लग गया है। यही नहीं, न्यूजीलैंड में भी हुआवे पर आंशिक बैन लगाया गया है। इससे पहले गलवान हिंसा के बाद भारत टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर चुका है। भारत के सख्त फैसले के बाद दुनिया का हौसला बढ़ा था, जिसके बाद चीनी ऐप्स को लेकर अमेरिका ने भी सख्त कदम उठाए हैं।
चीनी ऐप्स पर बैन लगाने पर मोदी सरकार की ट्रंप प्रशासन ने जमकर प्रशंसा की थी। हुआवे को लगता है कि भारत जैसे विशाल बाजार से उसकी छुट्टी हुई तो उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बच पाएगा, इसलिए वह अपना वजूद बचाने के लिए मोदी सरकार को खुश करने में लगी है। मगर हुआवे यह भी जानती है कि अब यह बबला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, इसलिए वह अपना वजूद बचाने के लिए मोदी सरकार को खुश करने में लगी है। मगर हुआवे यह भी जानती है कि अब मामला बहुत अधिक बिगड़ चुका है, दोनों देशों के संबंध लगभग खराब हो गए हैं। ऐसे में उसका प्रयास ज्यादा कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। यूं भी भारत आर पार की लड़ाई से पहले चीनी इकोनॉमी की रीढ़ तोड़कर उसे बेबस कर देना चाहता है। इसी इकोनॉमी के बेस पर चीन ज्यादा उछलता रहा है, इसलिए हुआवे पर एक्शन होना तय है। चीनी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स की निकलती एकड़ी अब साफ साफ दिखने लगी है। पिछले दो महीने में यही अखबार सबसे बड़ा युद्धक विमान बना हुआ था। इसकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, पर यह भूल गया ऐसे मामले में वह भारतीय मीडिया के सामने बच्चा है। यहाँ के मीडिया की आक्रामकता का शायद इसे आभास नहीं था। लगता यही है कि भारत को डराने चले ग्लोबल टाइम्स के साथ भारत की मीडिया से पूरे चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। आज यही ग्लोबल टाइम्स मोदी का महिमामंडन करके अपनी बकलोली पर पर्दा डालने में लगा है। भारत ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर जो तैयारी की है, वह हर बीते दिन के साथ चीन पर भारी पड़ने लगी है। उसके युद्धोन्माद की एकड़ी भारत ने आर्थिक स्ट्राइक करके निकाल दी है। चीन ऐसा फंस चुका है जहां उसे अपनी वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे LAC पर मामला लंबा खिंच रहा है, उसकी टेंशन ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि मोदी सरकार केवल जंग की तैयारियों में व्यस्त नहीं है, बल्कि उस पर लगातार आर्थिक फैसले भी ले रही है। खास बात यह है कि चीन किसी भी भारतीय कंपनी और कारोबार को बाधित करने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। उसमें ऐसा करने का मादा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से खुद उसका ही नुकसान ज्यादा होगा। मोदी गुणगान की यह नई चालबाजी भी उसे मोदी के गुस्से से नहीं बचा सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। अनेक विध पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है जीवन, इतिहास की धरोहर को मजबूत करने वाली सांस्कृतिक विरासत, इन सब के चलते हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का